देखते रहिए यूवीएन जीरो एट बीनागंज से धर्मेंद्र उप्रेती की रिपोर्ट। लॉकडाउन में भी चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। बीनागंज के बीच तिराहे पर दुकान, आज रात को चाचौड़ा रोड स्थित गोपिका ज्वेलर्स की दुकान की शटर तोड़कर लगभग 4 लाख रुपए के आभूषण चोरी हुए। सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। देखते रहिए यूवीएन जीरो एट। क्या घटना है रात की? करीबन रात को दो बजे के आसपास की घटना है। क्या हुआ? मेरे को तो क्या सुबह 4:30 बजे मालूम चला कि दुकान की शटर टूटी हुई है, तो मैंने आके देखा तो बीच की शटर टूटी हुई पड़ी थी, अंदर कोई दिखा नहीं मेरे को। इसके बाद मैंने पुलिस में इंफॉर्मेशन करी जी, तो वहाँ से दरवाजे आए और उन्होंने फिर छानबीन की जी, और तिजोरी तोड़ने का प्रयास किया लेकिन उसको तोड़ने में असफल रहा है। बाकी क्या क्या काउंटर का सामान था वो सारा? क्या क्या सामान था काउंटर में? काउंटर में पायल विछिया वगैरह, ब्रास्लेट, चांदी के सोने के खाटे वगैरह, खेची सामान, चांदी का खेची सामान पड़ा हुआ था। चोरी हो गया, करीबन 3 से 4 लाख रुपये का सामान चोरी कर रहा है। 3-4 लाख कीमत की है। और एलजीडी वगैरह टीवी भी निकाली गई होता है? और एक टीवी लगा हुआ था कैमरे का, वो चोरी करके निकाल ले गए उसको। तो इसमें तिजोरी का ही बता रहे हैं आप, तिजोरी का ही तोड़ने का प्रयास किया? तिजोरी का तोड़ने का प्रयास किया, इन्होंने टामी लगा करके नहीं, लेकिन उसको तोड़ने में असफल रहा है तो सामान मेरा बच गया। पीछे जो निशान लगा हुआ है खोदने वाला, उसका क्या है? उसका क्या है, उसको खोद रहे थे तो वो दीवार नीचे खुदी नहीं, पुलिस में एफ आई आर वगैरह करवा दी मैंने।